फ्रेंड्स, कई बार आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते होंगे, जैसे कि उसे ज़्यादा बोलने की आदत है, या फिर फरहान को हंसने की आदत है, या फिर मुझे रोज़ सुबह में नहाने की आदत है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर इज या आर या एम, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर इन द हैबिट ऑफ, फिर होगा बिफोर और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यदि हो तो। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि उसे रोने की आदत है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज इन द हैबिट ऑफ वीपिंग। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। खान को झूठ बोलने की आदत है, इसकी इंग्लिश होगी खान इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूँ। उसे बोलने की आदत है, इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हाँ फ्रेंड्स, आज से शॉर्ट वीडियोज में आप लोगों के लिए वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे का सीरीज आने वाला है, जिसमें डेली स्पोकन वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेज होंगे, तो इसे देखना ना भूले फ्रेंड्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं।